या बिछिया वधू को दुल्हन को क्यों पहनाए जाते हैं, इस संबंध में इतिहास क्या है तथा उसकी उत्पत्ति और महत्व क्या है, जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव और उनकी अर्धांगनी पार्वती के बीच किसी बात को लेकर के हास परिहास में कुछ बात हो गई और भगवान शिव रूठ गए। उन्होंने कहा, मैं अभी कैलाश छोड़कर चला जाता हूँ। तो देवी जी ने कहा, प्रभु नाराज न हो, आप जहां जाएंगे मैं वहीं आ जाऊंगी। ये बात सुनकर भगवान ने उनके हाथ पैर बांध दिए और कहा, अब तुम मेरे पीछे नहीं आओगी। देवी ने कहा, प्रभु मैं इन सबको छुड़ा लूं। भगवान शिव ने विचार किया और सोच करके तब उनके गले कर्ण, नासिका और सिर में कुंडल तथा कड़ी आदि डालकर आपस में बांध दिया। यहां तक कि हाथ की और पैरों की उंगलियों को भी बांध दिया और वहां से चले गए। देवी ने कुछ नहीं किया। भगवान को नाराज देख वो उनका ध्यान और नाम जप करने लगी। कुछ समय बाद भगवान वापस लौट कर आए और देखा कि देवी मन में प्रीति पूर्वक भगवान का नाम जप कर रही हैं और भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने देवी के बंधन खोले और कहा कि हे देवी, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। मैंने तुम्हें जहां जहां भी बांधा था वो आज से समस्त स्त्रियों के आभूषण होंगे और संसार की समस्त सुहागिने इस कुंडल कड़ी आदि को ही आभूषणों के रूप में पहना करेंगे। देवी के गले, सर में उंगली, कमर, हाथों में, पैर की उंगलियों में, कान, नासिका की वो जंजीर आदि, मंगलसूत्र, शीश फूल, कंगन, कर्ण फूल, नथनी, अंगूठी, बिछुए, नूपुर आदि कहलाए। तभी से विवाह के समय ये चीजें पहनाई जाती है। कहीं कहीं वर पक्ष वाले और कहीं कहीं कन्या पक्ष वाले इन आभूषणों को बनवा देते हैं। इसी के साथ सभी मित्रों को जय श्री कृष्ण और राधे राधे। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।